वेलकम फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स ये है हमारी एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज जिसमें कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी भूगोल इसको कवर कर रहा हूं एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर रहा हूं थ्रू एमसीक्यूज ठीक है फ्रेंड्स इसी क्रम में ये हमारा क्लास नंबर सिक्स का ही चैप्टर नंबर 6 है कक्षा 6 अध्याय 6 भू आकृतियां मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ इसके ऊपर का ये क्लास है तो फ्रेंड्स आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप सभी से फिर से अनुरोध है पहले प्लीज आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लें इसको समझ लें एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए एक बार उनको जरूर देख लें उसके बाद ही इस वीडियो को देखें सो so, देट कि आप मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते देखिए फ्रेंड्स ऑनलाइन कोई भी चीज डिस्कस करने का ना एक जबरदस्त लॉस क्या होता है कि आई कैनॉट गेज कि आप कितना समझ पा रहे हैं और आप मुझे कैसे सुन पा रहे हैं ठीक है ऑफलाइन में फायदा ये होता है कि डायरेक्ट वन टू वन फेस इंटरेक्शन होने की वजह से यू कम टू नो कि भाई बच्चा जो है है वो कितना समझ पा रहा है, उसके मन में क्या डाउट्स आ रहे हैं इसीलिए आप सभी तो से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैप्टर को पढ़ लें और उसके बाद मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें डेट विल बी मच बेटर तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ध्यान से देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दी लैंडफॉर्म फीचर्सिडर दहला है कि द सर्फेस ऑफ अर्थ इज सेम एवरी माइंड सेट क्या बोलेगा बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट और ये बात सही भी है हर जगह सेम क्यों होगा माउंटेन्स है प्लेट्यूज है देर आर डिफरेंट काम सो इट कैनॉट बी सेम एवरीवेयर राइट सेकेंड सम पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर आर रगेड एंड सम्लैट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका रगेड कैसे होते हैं जैसे कि आपका कोस्ट लाइन हाईली इंडेंटेड कोस्ट लाइन अगर आपको याद हो इन द लास्ट क्लास ओनली वी अटलांटिक ओशन किया था ना उसका कोस्ट लाइन के साथ हाईली रगेड एंड इंडेंटेड तो ठीक है सम पार्ट में भी रगेड सम पार्ट में भी फ्लैट तो विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट इट इज टू ओनली बहुत सिंपल सवाल है आगे देखिए द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नॉट सीज गॉट इनफाइनाइट वराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स बिल्कुल सही बात है सम पार्ट में भी फ्लैट सेटमेंट टू ओनली इस फोटो को देखें तो ये जो फोटो एनसीआर से ही मैंने स्क्रीन लिया है आप इसमें देखिए कितने तरह के लैंडफॉर्म्स को दिखाया जा रहा है जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज माउंटेन माउंटेन क्या होता है हाईली एलिटेड पोर्शन ऑफ लैंड माउंटेन रेंज क्या होता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स फिर प्लेटू क्या होता है विच इज एट असर हाइट कंपेयर टू हिल्स एंड माउंटेन्स लेक हो सकता है माउथ ऑफ रिवर वहां पे डेल्टा बन सकता है लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र हो सकती है किसी भी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी हो सकती है दोनों में डिफरेंस क्या होता है ट्रिब्यूटरी गोज एंड मिक्स इन द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी डाइवर्जेज आउट ऑफ अ रिवर ठीक है पेनिनसुला हो सकता है वट इज पेनिनसुला अ लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इस्थमस टाइनी और अ वेरी थिन पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज पार्ट ऑफ लैंड एंड इज सराउंडेड द साइड्स प्लेन्स हो सकते हैं टू लार्ज कॉन्टिनेंटल साइज बॉडीज और कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज बेसिन हो सकता है हिल हो सकता है आईलैंड हो सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ठीक है ये आपका एनसीआर बुक में से है तो आपके लिए आप सभी संगम लिटरेचर का नाम सुना होगा पढ़ते भी होंगे अपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे भी आगे आर्ट एंड कल्चर के लिए तो फ्रेंड संगम लिटरेचर में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ये है उस तो टाइप की जो जोग्राफी थी उसके ऊपर बातें लिखी गई है तो लिटरेचर में यू विल फाइंड डिफरेंट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स जैसे कुरिंजी वर्ड इट डिनोट्स माउंटेन्स एंड एडजॉइनिंग लैंड्स पहाड़ी एरिया को है ना मुलाई फॉरेस्ट मरुथम प्लेन्स नीथल सी एंड पलाई आर ड्राई लैंड मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू एडोन के लिए इस डेटा को जोड़ा है इस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए डेट यू शुड बी एबल टू अप्रीशियट टू थिंग्स पहला ये कि ओल्ड लिटरेचर में भी आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन और उनके तरफ की अवेयरनेस दिखने को मिलती है दूसरा आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये पांच टर्म एज इट इज पूछे भी जा सकते हैं या इनमें से कोई एक टर्म पूछ करके उसका मतलब पूछा जा सकता है या इनमें से किसी भी चार टर्म को टेबल्स में अरेंज करके बोला जाएगा मैच द फॉलोइंग

कर सकते हैं इट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन हिल एंड माउंटेन कंसिडर पहाड़ी और पर्वत पहाड़ी मतलब हिल, पर्वत मतलब माउंटेन ठीक है अ हिल इज a सरफेस surface that rises हायर देन its सराउंडिंग एरिया करेक्ट स्टेटमेंट बहुत सारे हिल्स हैं इंडिया में अरावली हिल्स कैमूर हिल्स खासी जैनशिया गारो हिल्स माउंटेन इज ये स्टीप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन थाउजेंड मीटर्स की बात हो रही है यहाँ पे अगर आपको पता है कि not, तो ही आप इस क्वेश्चन श्योर की डेफिनेशन होती है माउंटेन की फॉर सिक्स हंड्रेड मीटर ठीक है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट तो टू ओनली ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर आंसर अब ये 600 मीटर्स कहाँ से आई ये बात 600 मीटर्स की जो बात है ये बात आपके एनसीआर बुक से ही आती है किसी किसी बुक में यू विल सी इन सम अदर बुक्स ऑफ जोग्राफी इन सम स्टेट बोर्ड बुक्स आल्सो यू विल सी की डेफिनेशन ऑफ माउंटेन क्लियरली मैंशन नहीं होता तो डिफरेंस बिटवीन हिल एंड माउंटेन बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होता अच्छा

क्लियर है अब फ्रेंड्स आपके सामने ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली अगेन देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको क्लासिक जोग्राफी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी बट अगर ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में और आपने क्लासिक ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है यू विल बी एट लॉस पे कुछ डिफरेंस करने के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं हिल्स जो है नॉर्मली स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं माउंटेन भी नॉर्मली स्टैंड अलोन भी हो सकता है हिल्स कई बार रेंज में मिलते हैं माउंटेन्स भी कई बार रेंज में मिल सकते हैं बट इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज दट हाइट इज डिमार्केटेड एट सिक्स हंड्रेड मीटर ठीक है माउंटेन में हो सकता है कई सारे समिट पीक्सों ठीक है हिल में नॉर्मली हिल में नॉर्मली एक माउंड शेप का ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं कि हिल का जो एलिवेशन होता है बहुत स्टीप नहीं होता हिल का जो एलिवेशन है इट इज क्वाइट ग्रेजुअल मतलब बहुत सीधी चढ़ाई नहीं होती जबकि माउंटेन का एलिवेशन इज वेरी स्टीप माउंटेन पर चढ़ना और ज्यादा मुश्किल होता है तो फ्रेंड्स व्हाट आर सम ऑफ ऑफ द फेमस फेमस एंड माउंटेन इंडिया ये पता होना चाहिए आपको जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स नॉट एट ऑल एग्जॉस्टिव मैं आपको इंडिया के सारे माउंटेन्स और हिल्स का क्लास जब कराऊंगा उस टाइम पे दिखा दूंगा सम फेमस हिल्स ऑफ इंडिया आर नीलगिरी हिल्स गारो खासी जैनशिया ये आपका मेघालय में है नला मल्ला हिल्स एटसेट्रा ठीक है सम फेमस माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया आर पीर पंजाल रेंज हिमालय काराकोरम रेंज एटसेट्रा ठीक है तो जो हिमालय है आप जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाले एरियाज जो हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ऑल ऑफ देम हैव गॉट माउंटेन है फाइनली फ्रेंड्स आपके सामने ये एन बुक का ही स्क्रीनशॉट है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं लिखा है कि जनरली स्टीप हिल एन एलिवेशन ऑफ़ मोर देन केस और बुक में क्या लिखा है हमें कोई बॉडरेशन नहीं करना एनसीआर में जो लिखा है उसे ही याद रखना है क्लियर ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वेरियस लैंड आर द रिजल्ट्स ऑफ टू प्रोसेसेस देखिए ये स्टेटमेंट ना करेक्ट है फ्रेंड्स एक्चुअली दो तरह के प्रोसेस होते हैं वन इज इंटरनल और एंडोजेनिक प्रोसेस एंड द अदर इज एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक प्रोसेस अब ये बहुत डिटेल में आपके लिए अभी तो कवर कर पाना मुश्किल है मेरे को बिकॉज़ ये सब टॉपिक आपको आएंगे इन फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th के टाइम पे देयर आई विल शो यू इन मच डिटेल कि क्या होता है बट यस yes, most of the landforms on earth they are built and they are shaped because of these two forces internal yeah, endogenic externally yeah, for exogenic forces the internal process is associated with wearing down and rebuilding absolutely wrong internal process helps in elevation internal processes help in building of mountains building of plateaus

फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो की बिल्डअप होते हैं बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस जब इंटरनली दो या फिर दो प्लेट्स आपस टकराते हैं तो उनके बीच में प्रेशर की वजह से धरती का ऊपर का हिस्सा और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है इज कॉल्ड एज लैंड बिल्डिंग एक्सरसाइज और इंटरनल प्रोसेस या फिर फोल्ड माउंटेन बिल्डिंग एक्सरसाइज ठीक है अच्छा अब जरा आइए आप एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर जरा आइए इफ यू कंसिडर विंड वाटर ग्लेशियर ये सब क्या करते हैं इरोजन करते हैं तो इरोजन करने का मतलब ये हुआ कि आप जो ऑलरेडी बनी हुई चीज है आप उसके हाइट को कम कर रहे हैं है ना आप उसके हाइट को और ज्यादा कम कर रहे हैं राइट right. दिस दिस इज द रोल ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस एंडोजेनिक प्रोसेस बिल्डअप करने में हेल्प करता है एक्सोजेनिक प्रोसेस वेयर डाउन या इरोजन करने में हेल्प करता है ठीक है ओके okay. तो आप कह सकते हैं कि जो बाहरी प्रक्रियाएं हैं, वो अपर्दन और डूबने की ओर ले जाती हैं, और जो आंतरिक प्रक्रिया है वो पुनर्निर्माण और उत्थान कराती है ठीक है आंसर विप्शन नंबर बी अब फ्रेंड्स आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज रखे ताकि आपको और बेटर मैं एक्सप्लेन कर सकू फ्रेंड्स यहाँ पे जरा आप इसको देखिए ये आपका एक तरह से फोल्ड माउंटेन बनाने की एक प्रक्रिया है है देखिए अर्थ का जो है ना फ्रेंड्स वो कई सारे पार्ट्स में ब्रेक किया गया है ये हमने या आपने ब्रेक नहीं किया ये नेचुरली ब्रोकन है ठीक है ये अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम से ही ब्रोकन है और ये जो प्लेट्स है ना ये आपका बेसिकली ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं ओवर अ सेमी लेयर ऑफ मेंटल अब ऐसे मान लीजिए आप कि एक पार्ट ये है ठीक है और एक पार्ट ये है अब ये दोनों तैर रहे हैं ठीक है ये दोनों तैर रहे हैं ठीक अब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे वेन दीज टू विल कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर तो इनमें कॉलिजन होगा जब कॉलिजन होगा तो इन दोनों में से जो ज्यादा भारी होगा जो ज्यादा डेंसिटी का होगा वो नीचे की ओर जाएगा और दूसरा वाला इसके ऊपर चढ़ने लगेगा नेचुरल लग रहा है सुनने में ऐसा ही होना भी चाहिए अब जब ये एक नीचे जा रहा है और दूसरा उसके ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो धरती का सरफेस है ऊपर उस पर क्या होगा उस पर होगा ये कि आपके माउंटेन रेंजेस बन जाएंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है वो ये कहता है कि आप एक पेज को लो आप सिंपली एक पेज लो उसको आप टेबल के ऊपर रख दो और अपने दोनों हाथों को पेज के ऊपर रखो और दोनों हाथ को धीरे धीरे पास लेकर आओ तो जो हाथों के बीच का जो पेज है ना उसको आप देखोगे कि अपने आप ऊपर की ओर उठने लगता है दैट इज एग्जैक्टली द द वे फोल्ड आर फॉर्मड तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली पेज के दो हिस्से हैं ठीक है क्या? आपका हाथ यहां पे और यहां पे है जो कि इनको एक दूसरे की तरफ पुश कर रहा है तो जब पुश करेंगे आप तो इन दोनों पेजेस के बीच का जो हिस्सा है वो उठने लगेगा ऊपर की ओर दैट इज एग्जैक्टली द वे फोल्ड माउंटेन फाउंट ठीक अच्छा यहां एग्जाम्पल देते वक्त मैंने बोला कि आप अपने हाथ से पुश कर रहे हो जो कि एक्सटर्नल आपको लगेगा बट एक्चुअली में जो अर्थ है उसके अंदर के इंटरनल फोर्सेस पुश करते हैं इन दोनों प्लेट्स को तो एंडोजेनिक फोर्सेस या फिर इंटरनल फोर्सेस दे हेल्प हेल्प इन इन बिल्डिंग दे रीबिल्डिंग दे हेल्प इन एलिवेटिंग द इंटरनल फोर्सेस वर्क दिस इज हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म अच्छा इसके अलावा फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन ये भी एक तरह का माउंटेन होता है डिटेल में आपको बताऊंगा आगे भी और क्लास 11 जोग्राफी में भी अभी अगर आप इसको देखें तो आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं येल्लो स्ट्रिप पीले रंग की जो पट्टी आप देख रहे हैं ये बेसिकली है कुछ नहीं अर्थ का ही लिथोस्फीयर है ठीक है लिथोस्फेयर के नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल है लिथोस्फेयर के नीचे सेमी मोल्टेड स्टेट में मैग्मा है सेमी मोल्टेड मेंटल है तो यह अर्थ के नीचे से यहाँ सेकेंड फोटो में अगर आप देखें तो हीट ऊपर की ओर जा रही है अब जो ये हीट ऊपर की ओर जा रही है इसकी वजह से अर्थ का जो ये सरफेस है लिथोस्फेयर इसमें कुछ क्रैक्स बन सकते हैं जो यहाँ ब्लैक लाइन से दिखाए जा रहे हैं ठीक और दूसरी बात कि जब नीचे से हीट या प्रेशर ऊपर की ओर जाएगा तो हो सकता है कि अर्थ के एक पार्ट को लेफ्ट की ओर पुश करे और अर्थ के दूसरे पार्ट को राइट की ओर पुश करे ठीक है ये पुशिंग एंड पुलिंग जब होगी ना फ्रेंड्स तो अल्टीमेटली होगा ये कि बीच का जो वाला पार्ट है ये नीचे गिर जाएगा और ये दोनों पार्ट लेफ्ट राइट की ओर आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अब आप एक बार फिर से इस फोटो को ध्यान से देखें जो थर्ड फोटो है इन दिस फोटो यू कैन सी कि वन पार्ट हैज फॉल एंड डाउन दर पार्ट मूवड अवे फ्रॉम ईच अदर अब मान लीजिए अगर आप यहां पे खड़े हैं ये सब प्रोसेस होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं अब आप यहां पे खड़े हैं मान लीजिए आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गए हैं और आप पहाड़ घूमने आए हैं तो आपको क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि यहाँ वाला जो पार्ट है अर्थ का ये वाला जो पार्ट है इसकी हाइट ज्यादा है और इस पार्ट की हाइट कम है अगेन इस पार्ट की हाइट ज्यादा है लेकिन ये तीनों पार्ट जो है लेवल्ड है प्लेन है ऊपरी सतह पे तो हम लोग ये करते हैं कि जो पार्ट ऊपर रह गया उसका नाम कहते हैं होर्स्ट एच हाइट एंड एच फॉर होस्ट ये एक तरीका है याद रखने का कि ऊपर वाले पार्ट को होस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रेबन जी फॉर ग्राउंड एंड जी फॉर ग्रेबन आपको होस्ट और ग्रेबन वर्ड ये दोनों वर्ड पता होने चाहिए और बस इतना ही पता रखना है कि जो ब्लॉक माउंटेन होता है उसके हायर पोर्शन को होस्ट कहते हैं और लोअर पोर्शन को ग्रेबन कहते हैं बस तो अगेन देखिए फ्रेंड्स आप यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उसके एंड रिजल्ट में आपको क्या मिला आपको एंड रिजल्ट में ये मिला कि होस्ट बन गया और ग्रैबे बन गया अब यहां पे अगेन आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बिल्ड हो रहे हैं। इंटरनल प्रोसेस आर कॉल्ड एज बिल्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स यहां कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर होस्ट तो बेसिकली अपनी जगह पर रह गया बस ग्रैबन नीचे गया ना तभी तो ये माउंटेन तभी तो ये माउंटेन बना है आपका तो आप क्यों कहते हैं कि इंटरनल प्रोसेस से एलिवेशन बढ़ता है तो घट गया बात ठीक है आपकी डाउट बिल्कुल है ऐसा डाउट आना भी चाहिए आपके माइंड में अगर नहीं आ रहा तो आप सोचिए फिर से कि इस पूरे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन में हुआ क्या है लिथोस्फेयर के तीन हिस्से थे उसमें से दो होस्ट रह गए और एक ग्रेबन नीचे आ गया और मैं ये कह रहा हूं कि ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस तो एक डाउट मन में ये आता है कि सर आप कहते हैं कि इंटरनल फोर्सेस हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ लैंड फॉर्म्स यहां तो उल्टा ग्रेवन को नीचे ले आए तो ये बिल्डअप कहाँ हुआ ये तो डी एलिवेशन हो गया तो ये बात तो गलत हो गई ना आपकी देखिये ये बात बिल्कुल सही है आपकी लॉजिक बिल्कुल सही है आपका लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं कैच दिखाता हूँ कैच क्या है यहां पे आपको दिख रहा है कि ये पार्ट होर्स्ट रह गया ये पार्ट ग्रेबेन है और ये पार्ट होर्स्ट है तो ग्रेबेन नीचे आ गया ठीक है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ग्रेबन अपनी जगह पे रह जाए और होस्ट ऊपर चला जाए ये भी हो सकता है तब तो आप क्या कहेंगे फिर फिर तो ये लैंड बिल्डिंग एक्सरसाइज हो गया ना फिर तो ये हो गई ना कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस विल हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ लैंडफॉर्म्स एंडोजेनिक प्रोसेसेस विल हेल्प इन एलिवेटिंग द लैंडफॉर्म्स ठीक है वो उस केस में भी आपका ब्लॉक माउंटेन ही कहलाएगा और इस केस में भी आपका ब्लॉक माउंटेन ही कहलाएगा अब फिर से वापस आते हैं इस केस पे ये इसमें ग्रेबेन नीचे आ गया था अब आप देखिए यहां पर यहां पे आप खड़े हैं आपको यहां पे आज के रेट में क्या दिख रहा है कि एक ग्रेबेन का पार्ट है जो कि नीचे चला गया और होस्ट का पार्ट है जो कि ऊपर की ओर आ गया इन कंपेरिजन टू ग्रेबेन ठीक है अच्छा आप आज की डेट में यहां पे खड़े हैं और इस पूरे प्रोसेस में मिलियंस ऑफ इयर्स लगा है क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया ग्रेबेन का नीचे आना और होस्ट का ऊपर जाना क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है नहीं हुआ है आप खड़े हैं उस टाइम ये प्रोसेस हो रहा है और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि होर्स अभी और भी ऊपर की ओर जा रहा हो खुद के इंटरनल प्रेशर से और ग्रेबेन खुद ही नीचे आ रहा हो बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस विल हेल्प इन बिल्डअप ऑफ लैंड फॉर्म्स इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस में न, ना ऑनलाइन सेशंस में मुझे खुद एंटिसिपेट करना पड़ता है कि आपके माइंड में क्या डाउट्स आते हैं मुझे नहीं पता आपके माइंड में डाउट आया कि नहीं आया होगा बट आपके माइंड में डाउट आ सकता है दिस आई नो फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस इसीलिए इस तरह के डाउट्स को आज ही क्लियर कर देना जरूरी है है ठीक तो इतने डिस्कशन का समरी क्या है समरी यह है कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस विल हेल्प यू इन बिल्डअप ऑफ लैंडफॉर्म्स इन एलिवेटिंग लैंडफॉर्म्स एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सटर्नल फोर्सेस विल हेल्प यू इन अरिंग डाउन ऑफ फॉर्म्स, डी एलिवेटिंग द फॉर्म्स, क्लियर इसमें आप कोई डाउट मत नेक्स्ट आइए इरोजन इज एसोसिएटेड विथ वियरिंग इरोजन, शरण इज एसोसिएटेड विथ वियरिंग एंड इट हाइटें द अर्थ सर्फेस अब बताइए अगर वियरिंग होगा तो हाइटन कैसे होगा ये स्टेटमेंट खुद ही गलत है इरोजन लिखा हो या कुछ भी लिखा हो स्टेटमेंट इज रॉन्ग वियरिंग का मतलब होता है उसको धीरे धीरे कम कर देना अपर्दन कर देना जैसे अरावली हिल्स जो है फ्रेंड्स आज के डेट में हाईली ही साल पहले बने थे तो आज की डेट में विंड की वजह से उनका बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका है इरोजन वियरिंग करेगा तो फिर वो डी एलिवेशन का, का काम करेगा नॉट हाइटनिंग अर्थ सर्फेस द डिपोजिशन इज एसोसिएटेड विथ रीबिल्डिंग एंड इट लोअर्स द अर्थ सर्फेस अब देखिए इसका पार्ट यहां तक करेक्ट है लेकिन लोअर की वजह से गलत हो गया और अब ये जो स्टेटमेंट है कि रीबिल्डिंग करना है और फिर लोअर भी कर देना सर्फिस को यह अपने आप में ही गलत है आप यहां डिपोजिशन लिखे इरोजन लिखे कुछ भी लिखे ये स्टेटमेंट में अंतरद्वंद स्टेटमेंट खुद ही को काट रहा है दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाई रनिंग वाटर आइस एंड विंड ये बिल्कुल सही है ये चीज बिल्कुल सही है रनिंग वाटर आइस एंड विंड जो है ये इरोजन तो करते ही है साथ में डिपोजिशन का काम भी करते हैं रनिंग वाटर जैसे कि आप देखिए गंगा नदी का एग्जाम्पल लें आप तो अपने फ्लड बैंक को इरोड भी करती है ठीक लेकिन जो इरोड करने के बाद मटेरियल बच गया उसको जाकर कई बार अपने फ्लड प्लेन पर डिपोजिट भी कर देती है सेम थिंग विंड अगर आप सैंड ड्यून्स को देखें तो सैंड ड्यून्स को विंड हमेशा शिफ्ट करते रहता है क्यों क्योंकि इरोड करता है डिपोजिट करता है इरोड करता है डिपोजिट करता है एंड सो ऑन सेम थिंग ग्लेशियर तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर थ्री ओनली ऑप्शन नंबर थ्री सॉरी ऑप्शन नंबर डी मतलब मतलब थर्ड स्टेटमेंट ओनली इज करेक्ट अब फ्रेंड्स आपके सामने एक छोटा सा फोटो है कुछ इलेस्ट्रेट करने के लिए आप देखिए विंड का एग्जांपल इन सैंड ड्यून्स कंटिन्यूस इरोजन एंड कंटिन्यूस डिपोजिशन का काम चलता रहता है एग्जाम्पल मैंने बताया आपको इरोजन होता है रिवर जो है, है थ्रू माउंटेन्स तो उसको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है तो वहां पे हाईली इरोडिंग फीचर होता है रिवर का माउंटेन्स में रिवर बहुत ज्यादा इरोजन करती है लेकिन जब प्लेन्स में आती है ना रिवर वेन द सेम रिवर इंटरस इन टू प्लेन्स इन दैट केस रिवर डिपोजिशन ज्यादा करता है क्यों

वाटर का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप देखिए यहाँ पे इरोजन कर रखा है कॉल्ड सी ये आप देखिए यहाँ पे आपका एक माउंटेन है और इसके ऊपर आपका ग्लेशियर है ठीक है ये ग्लेशियर ना कंटिन्यूसली इरोड अवे करता जा रहा है और यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है आपका टर्मिनल मोरेन्स को ये सब टर्म्स थोड़े नए हो सकते हैं आपके लिए अभी इनके बारे में चिंता नहीं करना है जब इनका वक्त आएगा इनको डिटेल में आपको बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन का पर्पज सिर्फ इतना था कि आपको तीन फोर्सेस इंट्रोड्यूस करा देना जो कि डिपोजिशन एज वेल एज इरोशन दोनों का काम करते हैं नेक्स्ट विच आर कॉन्स्टिट्यूट मेजर लैंड फॉर्म माउंटेन्स प्लेट्यूज यस प्लेन यस हिल्स नो हिल्स मेजर लैंडफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका वन टू वन थ्री फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट होता है और डाउट होना भी चाहिए सर हिल्स क्यों नहीं मीजर लैंडफॉर्म है जैसे अगर मैं आपको इंडिया का फिजिकल मैप अगर दिखाऊं आप उस पर माउंटेन देख सकते हैं काराकोरम दिख गया हिमालय दिख गया हिमाद्री दिख गया हिमाचल दिख गया आपको प्लेटूज दिखेंगे डेक्कन प्लेटू दिख गया मालनाड प्लेटू दिख गया महाराष्ट्र प्लेटू दिख गया राइट बेतवा प्लाटो दिख गया छोटा नागपुर प्लेटू दिख जाएगा प्लेन दिखेंगे आपको कैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इंडो गैंगेटिक प्लेन हिल्स भी दिखते हैं सर मैप पे गारो खासी जैनशिया कैमूर हिल्स वगैरह सब दिखते हैं तो हिल्स क्यों नहीं है सर मेजर लैंडफॉर्म गुड क्वेश्चन हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन को और बेटर कर सकते थे अगर मैं इसमें चारों ऑप्शन के भी आंसर एक दे देता दे दे तो जानबूझ कर नहीं दिया ताकि आपको यहाँ पे डाउट ना क्रिएट हो देखिए जो एन ने बोला हमने उसको फॉलो किया एनसीआरटी ने बोला कि तीन कैटेगरी होते हैं माउंटेन्स प्लेन्स एंड प्लेट्यूड तो जो हिल्स होते हैं वो माउंटेन्स के अंदर ही एक सब कैटेगरी बन जाते हैं बट हैविंग दिस ऐसे कई सारे बुक्स हैं जिसमें कि हिल्स को सेपरेट कैटेगरी भी दिखाया जाता है ऐसे कई सारे बुक्स हैं जिसमें कि हिल्स को सेपरेट कैटेगरी भी दिखाया जाता है बट वट वी विल डू विल फॉलो एनसीआर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीआर को ही फॉलो करेंगे एनसीआर ने बोल दिया कि तीन कैटेगरी होते हैं माउंटेन्स प्लेन्स प्लेट्यूज बस हिल्स बेसिकली माउंटेन्स कैटेगरी होते हैं ठीक है इसीलिए हिल्स को मेजर नहीं हिल्स को बोला जाता है माइनर लैंड फॉर्म एंड वट आर दी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ माइनर लैंड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल आईलैंड एक्सेट्रा ठीक है फ्रेंड्स तो आप ध्यान रखेंगे माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन्स दीज आर दी थ्री मेजर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स बस एनसीआरटी ने बोल दिया हमें उसे फॉलो करना है इसमें कोई डाउट नहीं है ये yes, कई सारे बुक्स में हिल्स को सेपरेट लैंडफॉर्म दिखाते हैं और कहते हैं वो भी एक मेजर लैंडफॉर्म है बट हमें क्या करना है हमें सिर्फ एनसीआरटी को फॉलो करना है

और माउंटेन वर्ड जब भी सुनते हैं दिमाग में सीधा हिमालय आता है तो ये स्मॉल समिट्स की बात तो गलत लगती है देखिए माउंटेन के पास कई सारे समिट्स होते हैं माउंटेन हैव मेनी समिट्स जब भी माउंटेन वर्ड में बोलूंगा आपके माइंड में माउंट एवरेस्ट या के टू गॉड विन यही सब नाम आएंगे बट जो माउंटेन होता है ना वो एक्चुअली में एक्चुअली में सिंपली एक पीक नहीं होता जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है इट इज सिंपली अ पीक

मे हैव एंड मे ऑल्सो है स्मॉल समिट्स अब जाकर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाता लेकिन स्मॉल समिट्स होने की वजह से आप उसको माउंटेन ना बोले ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज माउंटेन के पास एक ब्रॉड बेस होगा नेचुरल एलिवेशन होगा जो कि 600 मीटर से ऊपर होना चाहिए हमेशा थोड़ी हम लोग माउंट एवरेस्ट और केटू की बात करेंगे माउंटेन कुछ भी हो सकता है ठीक तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट एज वी गो हायर ओवर द माउंटेन्समेट बिकम्स कोल्डर बात सही है क्लाइमेट और ठंडा हो जाता है ग्लेशियर आर फाउंड ऑन ऑल माउंटेन्स नो नॉट ऑन ऑल माउंटेन्स कुछ पे मिलता है आप लोग इस चीज को समझिए फ्रेंड्स कि ग्लेशियर में और आइस कैप होने में बहुत बड़ा अंतर है कई जगह माउंटेन्स पे पीक पे आपको सिर्फ आइस कैप मिलेगा दैट इज नॉट ग्लेशियर एज सच डिफरेंस होता है दोनों में

दिखाना चाहता हूं कि जो आइस है माउंटेन्स का वो कहाँ जा रहा है अब एक ये वाली जो फोटो है इसमें आप देख सकते हैं जहां जहां पे ब्लू लाइनिंग की गई है दिस ऑल रिप्रेजेंट्स योर आईसी एरिया ठीक है दिस ऑल रिप्रेजेंट्स योर आईसी एरिया कहां कहां पे आइस मिलता है नेचुरली अब जो फोटो आपके राइट साइड में है इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो आइस मिलते थे उसमें से कितना परसेंट लॉस हो चुका है या फिर कितनी तेजी से लॉस हो रहा है आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग के बारे में बताया गया था कि बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और शायद दो तक पीने का पानी भी ना मिले बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रिपोर्ट थी वो उसके ऊपर सरकार ने फिर से कमेटी बिठाई चीजों को फिर सॉर्ट आउट भी किया गया बट ये बात बिल्कुल सच है कि आइस का रिट्रीट बहुत फास्ट हो रहा है ग्लेशियर्स का रिट्रीट भी बहुत फास्ट हो रहा है तो मैंने इस फोटो में दिखाने की कोशिश की है कि कितना फास्ट हो रहा है जैसे ग्रीनलैंड है इट इज लूजिंग 263 बिलियन टन ऑफ आइस पर ईयर ठीक है एशिया में देखिए ये वाला जो रीजन है आपका जहां पर हिमालय रीजन है और इसमें आपके गंगा यमुना वगैरह ऐसी नदियां ओरिजिनेट भी होती हैं इट इज ऑल्सो श्रिंकिंग ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट भी है जिसका जिक्र मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले आपसे किया इसका तो ऑफिशियल रिपोर्ट भी है कि हिमालय ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग एट अ वेरी रैपिड रेट इस तरह से आप वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लीजिए फ्रेंड्स कहीं पे भी एवरी प्लेस यू विल फाइंड दैट आइस कवर इज श्रिंकिंग ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग क्यों बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ठीक है जब आइस जब मेल्ट करेगा फ्रेंड्स तो उसकी वजह से क्या होगा जब आइस जब मेल्ट करेगा तो उसकी वजह से ग्लोबली जो सी लेवल है उसका हाइट बढ़ जाएगा इट विल लीड टू फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट अर्बन टाउन्स दे आर द इंजिन ठीक है तो वहां पर सीधा स्ट्राइक करेगा क्लाइमेट चेंज इसी क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतनी ज्यादा सीरियसनेस है कि अगर मीन सी लेवल बढ़ने लगा धरती का इट विल लीड टू फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल ठीक फ्रेंड्स और आगे नहीं जाएंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक श्रेणी में पंक्तियों में एक श्रृंखला में व्यवस्थित पहाड़ होते हैं मतलब कंसिस्ट ऑफ कंसेन अरेंज इन अ सीरीज ऑफ लाइंस बिल्कुल सही बात है जैसे कि आप हिमालय को देखेंगे तो पहले आपका हिमाद्री फिर हिमाचल फिर शिवालिक तो तीन लाइन है उसमें ठीक है नहीं, ये गलत है, बिकॉज Alps जो है आपका यूरोप में है और एंडी साउथ अमेरिका में है सिर्फ ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया गया है तो विच ऑफ दर नॉट करेक्ट टू ओनली will be ऑप्शन नंबर बी ठीक है अच्छा, थोड़ा सा इसमें करते हैं। आपको कल भी बताया था मैंने कि मेजर माउंटेन रेंजेस क्या है फिर वर्ल्ड के आप देखिए रॉकीज, अपलाशियंस एंड सियरा नवादा ये नॉर्थ अमेरिका में सियरा मादरा ये मैक्सिको में अगेन नॉर्थ अमेरिका एंडीज दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन साउथ अमेरिका ठीक है अगर आप आते हैं टुवर्ड्स यूरोप तो, तो पायरिस एंड ये आपका फ्रांस और पोर्टुगल वाले एरिया में है एल्प स्विट्जरलैंड इटली के बॉर्डर पे है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स ये आपका नॉर्वे वाले एरिया में है स्कैंडिनेवियन एरिया में है यूराल माउंटेन्स दीज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया ठीक है कॉकेशस माउंटेन्स ये आपका टर्की वाले एरिया में है टॉरस एंड जैग्रोस ये आपका मिडल ईस्ट वाले एरिया में है एटलस माउंटेन्स अफ्रीकन कोस्ट पे है ड्रिकेनबर्ग ये आपका ब्लॉक माउंटेन है इट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका ठीक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कोस्टल एरिया में है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हिमालयस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू लुक एट पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो हिंदू कुछ इंपॉर्टेंट है मंगोलिया के बॉर्डर पे अलताई माउंटेन है, तो है इसमें हालाकी आप लोग मिड अटलांटिक ओशियन रिज नाम का भी माउंटेन है जो की अंडर वाटर है ये जो मैंने एस शेप ड्रॉ किया है ना ये उसी के लिए किया है ये जो आपका अटलांटिक ये जो आपका अटलांटिक ओशन है इसमें अंडर वाटर एक रिज है या फिर एक माउंटेन चेन है जो कि वोल्केनिक भी है और दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन चेन यही है लेकिन वो अंडर वाटर इसलिए हमें दिखता नहीं मैप पे इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंडीज इज द लॉन्गेस्ट क्योंकि ये सरफेस पे है ये जो आपका मिड अटलांटिक ओशियन रिज है इट इज अंडर सी एंड इट इज द लॉन्गेस्ट इफ यू कंसिडर एंड कंपेयर इट विथ एंडीज ठीक है फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दुनिया में चार तरह के पहाड़ हैं नहीं चार तरह के नहीं है तीन तरह के ही होते हैं ओनली थ्री टाइप्स ऑफ इन द वर्ल्ड उनके नाम क्या क्या होते हैं एक तो हो गया आपका फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज रगेड माउंटेन ये भी गलत ये भी गलत करेक्ट कौन सा हो जाएगा नीदर वन नीदर टू देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स एनसीआर ने बोला है हम इसमें कोई डाउट नहीं रख सकते जरा देखिएगा यहाँ पे जो रगेड माउंटेन वर्ड है this word, rugged mountain, ये word कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है कौन सा माउंटेन रगेड नहीं होता कौन सा माउंटेन बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ होता है एवरी माउंटेन इज रगेड ओनली तो रगेड माउंटेन कोई माउंटेन नहीं होता ये तो एक फीचर है कि ऑल माउंटेन्सरगेड इनफैक्ट कोस्ट बताया भी कैसे बनते हैं और बिल्कुल उसी का फोटो मैंने फिर से किया यहाँ पे आपके सामने दो आपके सामने दो प्लेट्स हैं, जो कि आपस में टकरा रहे हैं टकराने की जैसे सरफेस के ऊपर उबड़ खाबड़ जैसा माउंटेन रेंज बन जाएगा ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि आप अगर एक पेपर को लेकर के अपने दोनों हाथों से प्रेस करें दोनों हाथों को सामने ले लेकर कोशिश करेंगे तो दोनों हाथों के बीच का एरिया ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाता है बिल्कुल वैसे ही आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं कुछ एग्जाम्पल दो फोल्ड माउंटेन्स के तो हिमालय एल्प्स यूराल्स ऑल दीज आर अरावली ऑल दीज आर फोल्ड माउंटेन जिसमें कि हिमालय तो बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन है और अभी भी हिमालय में अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है क्यों क्योंकि ये जो इंटरनल प्रोसेस है इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी दोनों क्रस्ट के पार्ट्स अभी भी एक दूसरे के पास आ रहे हैं इसीलिए हिमालय का बिल्डिंग एक्सरसाइज अभी भी चल रहा है हिमालय की हाइट साल दर साल मिलीमीटर्स mm में ही सही बढ़ते रहती है ठीक है अच्छा नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक माउंटेन अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था होस्ट एंड ग्रेबे इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है इंटरनल प्रोसेस की वजह से इंटरनल प्रोसेस की वजह से या टेंशन या कंप्रेशन की वजह से एक पार्ट ऊपर हो जाएगा उसे होस्ट कहते हैं एक पार्ट नीचे हो जाएगा उसे ग्रेबन कहते हैं डेट इज कॉल्ड एज योर ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक माउंटेन तब बनता है जब आपके क्रैक्स या फॉल्ट हो जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में और जो लैंड उसके बीच में है वो या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है दैट इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन अभी आपके लिए इतना ही काफी है नेक्स्ट है आपका वोल्केनिक माउंटेन ये आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। में, लावा, मैग्मा, आपको पता होगा इसके बारे में? है ना? माउंटेन बेसिकली होते क्या है फ्रेंड्स कि नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है ठीक है वोल्केनिक माउंटेन के नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है और इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता रहता है जब प्रेशर रिलीज होता है तो अंदर से बाहर की ओर विस्फोटक पदार्थ निकलते हैं और वही इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं डिपॉजिट होने की वजह से इसकी हाइट और ज्यादा बढ़ने लगती है दैट इज योर वोल्केनिक माउंटेन इंडिया में वोलैनोस कहां, कहां पे आपको आइडिया होगा अब उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं वोलकैनिक माउंटेन से एग्जाम्पल आपको और भी दूंगा मैं आगे जैसे इंडिया में आपका मान लीजिए बैरन आईलैंड एक है अंडमान निकोबार में इनफैक्ट अंडमान निकोबार जो है ना फ्रेंड्स वो पूरा का पूरा का का आइलैंड आइलैंड चेन ही वोल्केनिक है है इंडिया के दो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तो आपका बेसिकली कोरल आइलैंड है पोलिप से बना हुआ है अंडमान निकोबार में कोरल्स मिलते जरूर हैं बट अंडमान निकोबार खुद से एक वोल्केनिक ऑरिजिन का आइलैंड है दिस यू शुड बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इसके अलावा अगर आप देखें वोल्केनिक आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड में या वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड में यू विल फाइंड Many mountains like Krakatau in Indonesia. Na? Anyways, Age friends. <laughs> with a reference to fold mountains, Valit Parvat. Consider the following statements. The crust of earth is folded due to internal pressure. Absolutely right. The Aravli range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. Absolutely right. Rather, oldest bhi hoga Not just one of the oldest, oldest. हिमालय एंड आल्स आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स नो दे आर न्यू दे आर यंग अभी भी इनकी हाइट बढ़ रही है यूराल माउंटेन्स इन रशिया आर यंग फोल्ड माउंटेन्स नो यूराल भी काफी ओल्ड हो चुका है अपलाशियन भी काफी ओल्ड हो चुका है तभी इनकी हाइट घट गई है होता यू है फ्रेंड्स फोल्ड माउंटेन जब बन रहा होता है ना तो पहले तो अर्थ के क्रस के दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो जब पास आएंगे तो फोल्ड माउंटेन की हाइट बढ़ने लगेगी जब पास आने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो इरोजनल फोर्सेज होते हैं लाइक ग्लेशियर विंड वाटर वो माउंटेन की हाइट को घटाने का काम शुरू करते हैं काम दोनों साथ में चल रहे होते हैं बट पहले बिल्डिंग का, का काम डोमिनेट कर रहा होता है उसके बाद डी एलिवेशन का, का काम डोमिनेट कर रहा होता है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड इसमें ओनली वन एंड टू ऑप्शन नंबर सी ओनली इज राइट ठीक है और आपके सामने फ्रेंड्स थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं स्पेशली हिमालय कैसे बना ठीक है देखिए हिमालय के केस में एक ओशेनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का आपस में कॉलिजन हुआ है तो ओशेनिक प्लेट के ऊपर सी होता है ठीक है इस सी के बॉटम में सेडिमेंट्स होते हैं ठीक अब जब प्लेट्स दोनों एक दूसरे के आसपास आते हैं तो ये जो सेडिमेंट वाला जो पार्ट है सी के नीचे इसमें फोल्ड्स आने शुरू हो जाते हैं ठीक है जब ये दोनों प्लेट और ज्यादा दूसरे के पास में आएंगे ना तो ये फोल्ड धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है और ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में से कॉन्टिनेंटल प्लेट और ऊपर की ओर उठता है बिकॉज ओशनिक प्लेट इज मच मोर डेंस ये भी एक फैक्ट है आपको पता होना चाहिए कि ओशनिक प्लेट जो होता है ना फ्रेंड्स इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इसका घनत्व ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट तो जब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं तो जो भारी होगा वो नीचे जाएगा तो ओशनिक प्लेट नीचे चला गया तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चढ़ जाता है और जब चढ़ता है तो वही आपको दिखता है फोल्ड माउंटेन तो जो हिमालय की भी पर्वत श्रृंखला है ना फ्रेंड्स उसके भी सरफेस पे जो सेडिमेंट मिलते हैं दे आर ऑफ मैराइन ऑरिजिन दे आर ऑफ मैराइन ऑरिजिन ठीक है एनिकविज इतना जानने की जरूरत अभी नहीं है आपको मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया दो चीजों का ध्यान रखेंगे आप कि फोल्ड माउंटेन तब बनता है जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं और जब दो प्लेट टकराएंगे उसमें से कोई अगर एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल है तो कॉन्टिनेंटल वाला ऊपर जाएगा ओशनिक वाला नीचे आएगा और इसी की वजह से फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं आपको इतना ध्यान रखना है अब फ्रेंड्स आपके सामने एक दूसरा फोटो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज इसमें मैंने फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड का एक मैप प्रेजेंट किया आपके सामने फ्रेंड्स इसमें आपको माउंटेन रेंजेस के नाम तो आपको ऑलरेडी पता है लाइक रॉकीज एंड एल्प हिमालय वगैरह इंपॉर्टेंट ये देखना कि कहाँ पे जो आपके बन रहे हैं फोल्ड माउंटेन क्या वहां वाकई में प्लेट्स का कॉलिजन हुआ है कि नहीं मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपको मैं फिजिकल चीज दिखा रहा हूँ उसको वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखा रहा हूँ जैसे अगर आप हिमालय वाले रेंज को अगर आप देखेंगे अब देखिए एक इंडियन प्लेट है और एक आपका यूरेशियन प्लेट है इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जा रहा था यूरेशियन प्लेट अपनी जगह पे था या थोड़ा से नीचे की ओर आया इन दोनों में कॉलेज तो हिमालय बन गया ठीक सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे रॉकीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और साइड में एक जुआन डी फोका प्लेट है और यहाँ पे आपका कोकोस प्लेट है ठीक है ओशनिक प्लेट हमेशा नीचे जाता है और कॉन्टिनेंटल प्लेट हमेशा ऊपर आता है इस फोटो को देखकर आपको चीज क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स कि फोल्ड माउंटेन्स तभी बनते हैं जब दो प्लेट्स का कॉलिजन होता है एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है हो सकता है कोई छोटे मोटे ही प्लेट्स हो तो छोटा फोल्ड माउंटेन बनेगा अगर लंबे प्लेट्स होंगे तो बड़ा फोल्ड माउंटेन बनेगा बट बनेगा तभी जब आपके दो प्लेट्स के बीच में कॉलिजन होगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं रेफरेंस टू ब्लॉक माउंटेन्स अवरोधित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वे तब बनते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी के बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और क्षतिज रूप से विस्थापित हो जाते हैं देखिए मैंने आपको बताया था ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं यस उनके बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्रैक या फिर फॉल्ट तो डेवलप होना ही चाहिए इन द अर्थ क्रस्ट अगर ये डेवलप नहीं होगा तो ब्लॉक माउंटेन नहीं बन सकते ठीक है अच्छा ब्लॉक माउंटेन बनने के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए हॉरिजोंटल या वर्टिकल यहां पे भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर तो वर्टिकल होता है हॉरिजोंटल होता है आपने डायग्राम में दिखाया कि अलग अलग चले गए तो होर्स्ट बन गए जो नीचे गिर गया वो बन गया। वो बन बट सर होर्स्ट बनने का मतलब कि ऊपर उठना ग्रेबेन बनने का मतलब कि नीचे आना तो डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल हुआ ना ठीक है अगर आप में ये डाउट हो रहा है कोई बात नहीं आप कुछ देर के लिए इस ऑप्शन को होल्ड पर रखिए अगले स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को दी अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज ग्रेबेन एंड दोअर ब्लॉक्स आर टर्म एज होस्ट अब ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज अपलिफ्टेड को बोलते हैं होस्ट और लोअर को बोलते हैं ग्रेबेन इंटरचेंज कर दिया गया तीसरा देखिये द राइन वैली एंड दल्प माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम नो एल्प तो बिल्कुल भी नहीं है राइन वैली हो सकता है बट एल्प तो फोल्ड माउंटेन है तो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ अब टू और थ्री तो आपके आंसर में आएंगे ही आएंगे मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ओनली पॉसिबल टू और थ्री तो आपके आंसर में आएंगे ही आएंगे पूछ रहा है ठीक है ठीक आंसर नंबर डी अब देखिए फ्रेंड्स अगर डाउट होता है तो भी आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आपके अर्थ का अगर क्रस्ट की बात करूं इस फोटो को ध्यान से देखिए यहां पे आपको फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन दिखेगा जैसे एक क्रैक यहाँ पे है और एक क्रैक यहां पे है ठीक है अर्थ के अंदर से जो हीट और प्रेशर आ रहा है उसने ऐसे जब अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट ऊपर के उठ के होस्ट बन गया जबकि ये दोनों पार्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठीक है ये इन दोनों पार्ट्स को कुछ भी नहीं छेड़ा गया सिर्फ बीच वाला पार्ट ऊपर उठ के होस्ट बन गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है वर्टिकल या कोर्स वर्टिकल हो रहा है ठीक है अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं हम लोग डेट इस वाले फोटो को अगर आप देखें इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये दोनों पार्ट नीचे की ओर आ जाए तो होर्स अपनी जगह पे ही है बट ग्रेबेन और नीचे की ओर आ गया में जगह पे क्यों हो सकता है बिकॉज यहां पे कोई और फोर्स नहीं होगा इट हैज बिकम अ स्टेबल पार्ट यहां भी आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है वर्टिकल सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आप रिफ्ट वैलीज़ का एग्जाम्पल देखेंगे तो रिफ्ट वैलीज के केस में भी ऐसा ही होता है एक पार्ट नीचे की ओर सबसाइड कर जाता है ठीक है क्लियर तो इसका कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वर्टिकली होती है अब देखिए डाउट क्यों आता है लोगों के माइंड में डाउट इसलिए आता है फ्रेंड्स बिकॉज उनको याद आता है वो फोटो जिसमें कि मैंने दिखाया था या टीचर दिखाता है कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं तो उसमें देखा जाता है कि दो पार्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बीच वाला पार्ट या तो नीचे हो गया या फिर ऊपर हो गया अब ये जो दूर जाने वाली फोटो है ना इससे को देख के लगता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था दैट इज वाई दे गेट कन्फ्यूज लेकिन एक बात बताइए फ्रेंड्स कि माउंटेन अगर बनना है तो लैंड का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल तो होना ही होगा या तो किसी एक पार्ट को आप ऊपर करो तो वो माउंटेन कहलाएगा या दूसरे पार्ट को नीचे करो ताकि जो पार्ट अपनी जगह पर रह गया वो माउंटेन कहला सके कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन ठीक है ओके okay. और तो आपके सामने फ्रेंड्स यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्ट वैलीज के और ब्लॉक माउंटेन उनको आप देख सकते हैं ब्लॉक माउंटेन यहां पे आपका अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ठीक है यहां पे आपका सीरा नवादा विच इज योर ब्लॉक माउंटेन ठीक है यह न्यूजीलैंड में आपका एक हट वैली नाम का रिफ्ट वैली है रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ठीक है सिमिलरली इफ यू सी तो आपको मिलेगा एक डेड सी रिफ्ट भी है इसराइल के पास में इसके अलावा आपको वॉसजेस माउंटेन मिलेगा यूरोप में आपको ब्लैक फॉरेस्ट या राइन वैली मिलेगी जर्मनी के आसपास में

माउंट किली मंजारो एंड माउंट फुजियामा नो माउंट किली मंजारो माउंट फूजियामा तो आपके ज्वालामुखी पर्वत होते हैं तो वन गलत हो गया और इसी तरह से टू भी गलत हो गया क्योंकि तो राइन घाटी और रोज़ जिस जिस तभी देखा था हम लोगों ने वट आर देसिकली ब्लॉक माउंटेन फोल्ड माउंटेन अपलाशियन और यूराल ओके एंड अंडर सी माउंटेन इज मोना किया मौना किया हवाई अंडर सी माउंटेन बिल्कुल है भी है भी इसमें कोई डाउट नहीं है फोल्ड माउंटेन्स में और हैं तो ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके सामने क्वेश्चन था इसको आप नहीं सॉल्व कर पाते अगर आपने फोल्ड माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन ब्लॉक माउंटेन सबके एग्जांपल्स को नहीं याद किया है तो अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप को प्रैक्टिस नहीं किया अगर आपको नहीं याद आ रहा कि फोल्ड माउंटेन्स कहां, कहां पे थे आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे जोग्राफी पढ़ने का फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा तरीका यह भी होता है कि आप अपने साथ हमेशा कुछ मैप्स को रखिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो ज्योग्राफी जब स्टार्ट करने जा रहा था तो मुझे कुछ अच्छे लोगों ने गाइड किया कि प्लीज मैप को अपने साथ रखना तो इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड का मैप हो उस पर आप जितना इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं फॉर अ गिवन थीम लाइक फोल्ड माउंटेन्स लाइक ब्लॉक सब आप बिल्कुल दिखाइए मैप के रखिए और मैप को भी अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल जरूर करिएगा ठीक है आइए आगे चलते हैं ये अगेन आपके सामने कुछ फोटोज हैं आपकी सहूलियत के लिए इस फोटो में बेसिकली मेरा पर्पस है दिखाना आपको वोल्केनिक एरियाज ऑफ अर्थ ठीक है देखिए आप जरा इस वाले पार्ट को देखिएगा जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है ना इसको कहते हैं है रिंग ऑफ फायर जिसको अगेन मैं इस फोटो में ठीक से आपको दिखा सकता हूं इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर क्यों इसे इसलिए कहते हैं रिंग ऑफ फायर बिकॉज ये जो बाउंड्री है ना रेड से इस बाउंड्री पे मैक्सिमम वॉलकैनिक एक्टिविटी एंड मैक्सिमम अर्थ को एक साथ यू सी जापान यहीं पे है इफ यू सी न्यूजीलैंड यहीं पे है इफ यू सी मैक्सिको के कुछ एरिया यहाँ पे जहां पर की कई बार अर्थक्वेक आ चुका है ठीक है ये जो एरिया इसे हम लोग कहते हैं ध्यान रखना है रिंग ऑफ फायर जो है एक पर्टिकुलर एरिया है इन पैसिफिक ओशन उसकी बाउंड्री पे जिसके की बाउंड्री एरिया पे बहुत ज्यादा होल्केनिक एक्टिविटी या बहुत ज्यादा अर्थक्एक्स आते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर जो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं कोलाइड कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं हुए अभी तक तो जब तक प्लेट्स स्टेबल होंगे नहीं तब तक आपके अर्थक्वेक्स आते रहेंगे इस पे आपको और मैं बताऊंगा तब जब अर्थक्वेक्स बारे में पढ़ रहे होंगे हम लोग फिलहाल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है ठीक और रिंग ऑफ फायर के अलावा ही मैक्सिमम वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है हालांकि उसके अलावा भी वोल्केनोस कई जगह मिलते हैं जैसे आपका ये इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया आपका अफ्रीकन पार्ट्स हो गए है ना वोलिक एक्टिविटी वहां पे भी होती है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं हम लोग। के मैग्मा चेंबर नीचे की ओर होता है जो फटता है बाहर की ओर लावा निकलता है और कोनिकल शेप इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स विथ इरप्शन ऑफ वोल्के

सडनली एक ब्रेक पॉइंट आएगा और इरप्शन ज्वालामुखी फट पड़ेगा तो जब फटेगा तो उस टाइम पे ऐश स्टीम गैस कई तरह के रॉक्स वगैरह बाहर की ओर निकलते हैं नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि जो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन है वहीं से हमेशा इरप्शन होता है ऐसा नहीं है कई बार साइड से भी इरप्शन हो सकता है जब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो प्रेशर कहीं ना कहीं से रिलीज तो हो गई ठीक है तो मेन इवेंट के अलावा आपके पास सेकेंडरी इवेंट्स वगैरह भी होते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज आर मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड स्टोर हाउस ऑफ वाटर बिल्कुल सही है कई बार ग्लेशियर्स मिलते हैं सोर्सेज ऑफ रिवर बिल्कुल सही बात है इंडस गंगा यमुना सब हिमालय से होकर आते हैं आइडियल फॉर सर्टन क्रॉप कल्टिवेशन एब्सोलुटली राइट सेंचुरी टू फ्लोर एंड फोना एब्सोलुटली राइट करेक्ट स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी एब्सोलुटली करेक्ट और होना भी चाहिए जैसे कि आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हिमालय से कितनी सारी नदियां निकलती है इंडस झेलम चिनाव रवि ब्यास ये सब जाकर मिलती है फाइनली इंडस में इधर गंगा यमुना एटसेट्रा ठीक है तो आज इंडिया में कितने सारे ग्लेशियर्स है सो मेनी ग्लेशियर्स इन एंड अराउंड इंडिया आप देखिए उनका मैंने मैप बना के दिया आपको यहाँ पे आप गंगोत्री ग्लेशियर को देख सकते हैं छोटा सिकरी देख सकते हैं बड़ा री देख सकते हैं जोंगसांग देख सकते हैं साउथ लोहनाक देख सकते हैं ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स सभी के नाम याद ना हो तो भी आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि फेमस ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं वो मैंने इसमें टिक कर दिया है इसके अलावा ग्लेशियर्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि कैसे आइस रिट्रीट हो रही है मैंने आपको बताया कि जो आइस है ग्लेशियर्स की उसमें मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है हिमालयन सुपर फूड्स ये मैंने फ्रेंड्स एक नेपाल की एक संस्थान है वहाँ से मैंने उसकी वेबसाइट से ये फोटो को लिया है ये बेसिकली जो संस्थान है ना इसका काम ये है कि ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इनकरेज करें यूजिंग हिमालयन इको कि हिमालय रीजन में कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनको कि आप अच्छे तरीके से उगा सकते हैं और फार्मर्स को भी बेनिफिट हो उन कुछ क्रॉप्स के नाम है फ्रेंड्स ये अगेन आपके लिए कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट आपको कुछ क्रॉप्स के नाम पता होना चाहिए स्पेशली आपको पता होना चाहिए बकवीट के बारे में क्योंकि ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री फ्लावर होता है ठीक है आपको पता होना चाहिए फिंगर मिलेट के बारे में अमरंथ के बारे में ये तीन न्यूज में रहते हैं आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए अदरवाइज आपके सामने पूरी स्लाइड है आप इसको देख सकते हैं इसमें फ्रेंड्स आपको ये जानना है कि हिमालयन इकोसिस्टम में कुछ सर्टेन फूड क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोमोटिंग कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप पठारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं दे आर फ्लैट टॉप टेबल लैंड विद स्टीप स्लोप्स एंड वेरिएबल हाइट्स बिल्कुल सही बात है इनके स्लोप स्टीप भी हो सकते हैं ऊपर से फ्लैट होते हैं हाइट्स इनकी वेरी करती है

अगेन फ्रेंड्स आपके सामने एक फोटो है जिसमें कि आप देख सकते हैं सम मेजर मेजर ऑफ़ द वर्ल्ड इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना डेक्कन प्लेट्यू लोएस्ट प्लेट्यू तेवतीयन प्लेटू वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू इट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एनातोलियन इबेरियन प्लेटू एटसेट्रा आइए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं

प्लेन जो एरिया है उसमें भी कई ऊबर खावड एरिया आ सकते हैं जो प्लेन जो एरिया होता है उसमें भी कई सारे ऐसे एरिया आ सकते हैं जिसमें कि आपको अंडुलेटिंग वेवफॉर्म की तरह जैसे प्लेन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सपाट सतह हो प्लेन का मतलब हो सकता है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है इट ओसो कॉल्ड एज प्लेन इज नॉट एक्सट्रीमली लेवल्ड इट इज सपोज टू बी लेवल इवन इफ इट इज नॉट लेवल इट कैन स्टिल बी कॉल्ड एज योर

ठीक है फ्रेंड्स प्लेन्स का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही सपाट हो उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं ठीक है आपके सामने फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स लिखा है मैंने. Plains, 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 plains. Plains में भी आपका इसका आपको ध्यान रखना है अगेन मैप पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मेजर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे गैंगिस बेसिन येलो रिवर रीजन इन चाइना स्टिपीज ग्रासलैंड्स ऑफ यूरेशिया कैनेडियन प्रेरी ग्रेट मिसिसिपी बेसिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फाइनली आपका मरे डार्लिंग बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसके अलावा आपका वेल्ड करके भी एक एरिया है इन अफ्रीका वो इसमें मिसिंग है इसको आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए प्लेन्स के बारे में ही है प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड ये बात बिल्कुल सही है सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स आर मेड बाय द रिवर्स फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन आर फॉर्म्ड बाई द रिवर्स फाउंड इन एशिया नॉर्थ अमेरिका सही है because Asia में सबसे बड़ा प्लेन इंडो गैंग प्लेन है उसका डेल्टा एरिया सबसे बड़ा एरिया है नॉर्थ अमेरिका में मेसेसिपी मिसोरिक एरिया भी बहुत बड़ा प्लेन माना जाता है तो समी लार्जेस्ट प्लेन्स आर इंडीड फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका बिकॉज ऑफ द रिवर्स सो बोथ आर करेक्ट वन एंड टू ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स एंग रिवर बेसिन जो चाइना का बहुत बड़ा एरिया इट इज बिगर देन इंडो गंगा प्लेन बट डेल्टा वाइज इंडो गंगेटिक डेल्टा इज मच बिगर ठीक है इसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ क्या होते हैं पृथ्वी के मुख्य भू आकृतियां इसमें फ्रेंड्स आपको एक काम और ये करना चाहिए मैंने आपको कई सारे मैप्स दिखाए हैं इसमें है ना उन मैप्स को आप लोग अपने पास अपने खुद के पास वर्ल्ड मैप पर मार्कआउट कर लें जैसे प्लेट्यूज का सेपरेट कर लिया फोल्ड माउंटेन सेपरेट कर लिया ब्लॉक माउंटेन सेपरेट कर लिया और मैप्स को ना बार बार रिवाइज किया करिए देखिए जोग्राफी में क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं आकर के भी कई बार इंफॉर्मेशन बेस्ड आ जाता है कि ये माउंटेन फोल्ड माउंटेन है कि नहीं ये फॉलोइंग माउंटेन्स में से कौन सा फोल्ड माउंटेन एड सेक्टर एडसेक्टर इस तरह क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको मैप्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए अगर आपको मैप्स की जानकारी नहीं है तो आप इस तरह क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा कुछ डेफिनेशनल क्वेश्चन होते हैं कि भाई हिल की हाइट कितने तक होती है छह मीटर तक प्लेन्स की हाइट नॉर्मली दो मीटर के ऊपर नहीं होती इस तरह क्वेश्चन में जो की डेटा है 200 मीटर 600 मीटर ये आपको याद होना चाहिए अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर सर्टेनली कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है फ्रेंड्स विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टूडे सेशन अगले क्लास में मिलेंगे तो आपके लिए चैप्टर सेवन ऑफ क्लास सिक्स एनसीडी जोग्राफी के एमसीक्यू लेकर के आऊंगा टिल देन थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग ऑल द बेस्ट